हेलो फ्रेंड्स, द मॉर्निंग न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सिर्फ नज़ीर। दोस्तों, आइए देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 16th ऑफ नवंबर की न्यूज़, राइट? तो आज है 16th ऑफ नवंबर और हम डिस्कस करें द हिंदू। तो देखिए कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पे जो न्यूज़ है ये चैंडी रिजाइंस एज क्राइसिस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना पता बस आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने मिस्टर चैंडी जो है इन पर करप्शन के चार्जेस, ये कैबिनेट वो वहाँ के मिनिस्टर थे, राइट? तो इन्होंने क्या किया, फाइनली इस्तीफा दे दिया है। और ये देखिए एक वर्ड है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है बीजेपी से कि आप जो एडवर्टीजमेंट में पप्पू वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। कांग्रेस ने ये आपत्ति जताई थी तो उन्होंने इस पर ये कदम लिया है। और ये अब ये लोग बीजेपी वाले ये रिप्लेस कर दिए हैं इस वर्ड को, अब युवराज वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर एडवर्टीजमेंट में, राइट? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जिम्बाब्वे से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। हुआ यूँ है कि जिम्बाब्वे में एक कू की कोशिश की गई है, राइट? हालांकि वहाँ की जो मिलिट्री है उसे कू नहीं मान रही है। वो ये कह रही है कि जो मिस्टर मुगाबे जो है वहाँ के पीएम, तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कदम लिया है कुछ अपराधियों को, वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके आसपास जो भी अपराधी क्रिमिनल्स हैं उसको एक तरीके से टैकल करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये कदम लिया गया है, ठीक है? इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे मिलिट्री सीज्ड पावर अर्ली ऑन वेडनेसडे सेइंग इट वॉज टारगेटिंग क्रिमिनल्स अराउंड प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे के आसपास जो भी है क्रिमिनल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए कदम लिया गया है। देखिए 37 साल से ये रॉबर्ट मुगाबे वहाँ पे हैं, ठीक है? 1980 में ही इनको आज़ादी मिली थी इस जिम्बाब्वे को, राइट? तो देखिए हुआ यूँ था, थोड़ा सा बताता हूँ हुआ यहाँ पे वजह क्या है। देखिए राष्ट्रपति मुगाबे जो है नो डाउट वहाँ पे इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया था, वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको इन्होंने बर्खास्त कर दिया था, ठीक है? और वाइस प्रेसिडेंट को, तो उससे मिलिट्री और इनके बीच थोड़ी सी तनातनी हो गई थी। तो ये उसी को लेके ये देखा जा रहा है कि ये कदम जो उठाया गया है ये उसी से थोड़ा सा इंस्पायर लगते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कह रहे हैं कि इसके बाद ये होगा कि उनकी जो वाइफ है वो अब एक तरीके से राष्ट्रपति पद की प्रबल उम्मीदवार हो गई है। तो इसी से सेना और उनके बीच एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, ठीक है? तो हमारे लिए लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं जिम्बाब्वे की, राइट? तो जिम्बाब्वे की बात करें तो ये देखिए जिम्बाब्वे और इसकी सराउंडिंग कंट्री, देखिए जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका नीचे, ये मोजाम्बिक, इंडियन ओशियन इधर आप लोगों को देख सकता है, राइट? ये मोजाम्बिक ही है यहाँ तक पूरा। और एक ये याद रख सकते हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये लेक करीबा, ठीक है? लेक करीबा आप याद रख सकते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, हरारे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा देखा आपने। तो बढ़ते आगे, बहुत ज़्यादा वैसे इंटरनेशनल न्यूज़ अफ्रीका से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप तो हमें तो इतना तो पता होना चाहिए, राइट? देखिए अगली न्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ये है BS6 से रिलेटेड। BS का मतलब होता है भारत स्टेज। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि अभी हम BS4 में थे, राइट? BS4 हम यूज़ कर रहे थे, तो अब हम डायरेक्ट BS4 से BS6 की तरफ स्विच करने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी प्लान था गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें ये डेट जो थी वो अप्रैल 1, 2020 थी, ठीक है ना? 2020 तक ही होना था, लेकिन उसको अब थोड़ा सा अब पहले करने का गवर्नमेंट प्लान बना रही है, दिल्ली खासतौर से, स्पेशली दिल्ली रीजन में, दिल्ली और NCR रीजन में। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये अप्रैल 1, 2018 करने का प्लान बना रहे हैं, राइट? तो ये डेट को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया गया है, 2 साल फॉरवर्ड किया गया, ठीक है? 2020 से 2018 कहा गया है। तो OMC जो है, OMC क्या है, OMC है आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है ना? तो OMCs हैव आल्सो बीन आस्ट टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ BS6 ऑटो फ्यूल इंट्रोडक्शन इन द होल ऑफ द, तो ठीक है, OMCs ने भी ये बात कही थी, इसको एग्जामिन करने की बात कही थी। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि स्विच टू द BS6 फ्यूल इन दिल्ली कैन रिड्यूस द पार्टिकुलेट एमिशंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या ये क्या क्यों जा रहा है, वजह क्या है करने की। देखिए दिल्ली का पोल्यूशन आप सबको पता होगा, हम लोग हजार्डस जो लेवल है उससे गुजर रहे हैं, राइट? तो इमरजेंसी वाली कंडीशन एक तरीके से, जो मैक्सिमम कंडीशन होती है पोल्यूशन लेवल की, उसको हम लोग क्रॉस कर गए। तो ये पोल्यूशन से निपटने के लिए ही ये किया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप अभी गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, क्योंकि BS2 जो चल रहा है उसको एक तरीके से पहले बैन कर लें, ठीक है? तब इसका कुछ इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए जो राजस्थान में एक बिल पास की थी, अभी उस बिल का नाम था राजस्थान गवर्नमेंट इन्फॉर्म हाई कोर्ट, और ये देखिए बिल रिलीजन से रिलेटेड शायद थी कुछ,
तो हाँ, राजस्थान 2000 एम्ड एट बैनिंग फोर्सेबल रिलीजियस कन्वर्जन, तो इससे रिलेटेड जो बिल थी इसको क्या किया है सेंटर ने, रिटर्न कर दिया है, राइट। और एक और बहुत ही दुखद न्यूज़ जो है, बहुत ही सैड न्यूज़ कह सकते हैं इसको, एक 50 साल की वुमेन, ओल्ड वुमेन सकीना डाइड इन बरेली। और ये किस वजह से डाइड हुई है, भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, क्योंकि उन्हें क्या हुआ, राशन नहीं दिया गया, डिनाइड राशन टू हर फैमिली। तो एक तरीके से फिर एक न्यूज़ आई है राशन से रिलेटेड, जिनको राशन डिनाई किया गया और उनकी मौत हो गई। तो ऐसी डेथ काफ़ी सीरियसली बहुत ही हमारी क्या बोलते हैं उसको, इनएक्टिविटी को शो करती है, और बहुत ही सैड है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, देखिए हमने अभी न्यूज़ पढ़ी, ये जहाँ पे किसी को राशन नहीं मिल रहा, और ये एक न्यूज़ है एकदम तो बिल्कुल अपोजिट उसकी। देखिए यहाँ पे क्या है, डॉग्स को लग्जरी प्रोवाइड की जा रही है। गुरुग्राम में एक होटल बनाया गया, उसमें लिख रहे हैं कि सारी चीज़ें उसमें मुहैया कराई गई है, बालकनी सूट्स, टेलीविज़न रूम, स्विमिंग पूल, टीवी लॉग, सैलून, स्पा, स्पेनिश परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें, कैफेटेरिया, वेडिंग, बर्थडे पार्टी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर जो कोई जाता है, आफ्टर अ टूर ऑफ द होटल पीपल टेल अस दैट दे वुड लाइक टू बी अ बर्ड अटैक। तो ये कह रहे हैं जो वहाँ पे जाता है, एक बार घूम के आता है, तो ये कहता है कि यार इससे अच्छा होता कि मैं कुत्ता ही पैदा होता, राइट, वो डॉग पैदा होना पसंद करता है। मतलब यहाँ पे देख के उन लोगों को ऐसी ज्वेलस फील होती है। तो ये तो हाल है। और अगली न्यूज़ देखिए, अगली न्यूज़ ये देखिए, ताजमहल के आसपास ये कह रहे हैं पार्किंग की ज़रूरत है, तो प्रोटेक्ट ताज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, डस्ट फ्री एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ओरिएंटेशन सेंटर आर द इमीडिएट प्रायोरिटीज़ फॉर कंजर्विंग द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल को कंजर्व करने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है। तो नीरी पेपर कह रहे स्टेट गवर्नमेंट ने, देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स विच फेल अफाउल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर बिल्डिंग अ मल्टी लेवल पार्किंग लॉट विद 1 किलोमीटर ऑफ ताज, कोटेड अ नीरी कंसेप्ट पेपर सबमिटेड आर। तो देखिए इन्होंने, नीरी ने जो पेपर वो बताया था, पेपर जो सबमिट किया था, कॉन्सेप्ट पेपर, उसको कह रहे हैं कि एक तरीके से फॉलो करने की बात हो रही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है डीरी। तो आइए देख लेते हैं डीरी है क्या। तो डीरी देखिए क्या है, डीरी है आपका ये देखिए, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो डीरी क्या है आपने देखा, और डीरी का काम देख लेते हैं क्या है, राइट। तो आइए देखिए डीरी का मैंडेट क्या है। तो डीरी देखिए क्या करता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंटल स्टडीज इन एनवायरनमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी स्टडीज़ करता है, और असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, इसके अलावा रीजन लोकल बॉडीज इन सबको, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए लोग इंडस्ट्रीज वगैरह की भी मदद करता है, राइट। तो पता चला अब डीरी है क्या। तो हमने डीरी देख लिया, और बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे, हाँ, नोटिस टू 4 स्टेट ओवर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। तो एनजीटी ने क्या किया है, 4 स्टेट को नोटिस जारी किया है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड, हुआ यू है। देखिए क्या कहा कहा गया है कि ये इन 4 स्टेट में क्या हो रहा था, इम्प्रॉपर कलेक्शन, मतलब जो कलेक्शन का तरीका था उनका सही नहीं था, सेग्रीगेशन और डिस्पोजल, बायोमेडिकल जो वेस्टेज होते हैं उनका ये सही तरीके से नहीं कर रहे थे, उस पर ये एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। और उन्हें डायरेक्ट किया है कि प्रोवाइड डाटा टू हाउ मेनी हॉस्पिटल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हैव बीन इंस्पेक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। और उनको डायरेक्ट किया है कि वो ये डाटा प्रोवाइड करें कि कितने सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इस रूल, इस जो बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 है उसका वायलेशन किया है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इट हैज़ रिग्ड दैट पिग रैक पिकर्स वर अलाउड अनऑथराइज
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट एट द डिस्पोजल ऑफ इन अनसाइंटिफिक मैनर। तो ये भी आरोप है कि जो रैक पिकर होते हैं, जो मतलब ये लोग कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि अनऑथराइज तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया है इन वेस्ट मटेरियल का, और इसको डिस्पोज भी किया है अनसाइंटिफिक मैनर में। तो ये देखिए, ये कंसर्न क्यों है? कंसर्न इसलिए है कि इसका हेल्थ इफेक्ट बहुत होता है, ठीक है, हेल्थ इफेक्ट। इसके अलावा एनवायरमेंट पे भी इसका असर पड़ता है अगर आप अनसाइंटिफिक वे में इसको डिस्पोज करते हो, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रेट टू एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ दैट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, एक बार तो हम लोग देख लेते हैं ये आखिर बायोमेडिकल ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल है क्या, ठीक है। तो एक तो पहले मैं ये दिखाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, देखिए ये है, ये सेग्रीगेशन का तरीका है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है, ये सारे जो कलर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इनमें अलग अलग तरीके के आप लोगों को चीज़ें, जैसे अलॉटेड चीज़ें, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या है, जो ये ब्लैक है इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग केमिकल वेस्ट, ठीक है। ब्लैक जो कलर है ये एक तरीके से इसमें ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्टेज जो होते हैं, मतलब ड्रग और केमिकल वेस्टेज जो होते हैं वो इसमें आएंगे, राइट। इसके अलावा देखिए इसमें सॉइल्ड वेस्ट जो है, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, ड्रेसिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी होते हैं, जो मतलब जो पट्टी वगैरह या रुई वगैरह जो, तो वो इसमें रेड वाले में आएंगे, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होंगे, पैथोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं बॉडी पार्ट्स, मतलब कोई आपके बॉडी का कटा हुआ पार्ट जो है वो सब ये येलो में आएगा, ठीक है। और जो है इन्फेक्टेड प्लास्टिक जो है, सीरीज वगैरह, ग्लव, सीरीज, प्लास्टिक वेस्ट, वो किसमें, ब्लू में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा डिटेल्स एंड कट ग्लासेस, मतलब जो ग्लासेस वगैरह कटते हैं ना, जैसे सीरीज वगैरह में के लिए, सॉरी, इंजेक्शन वगैरह को तोड़ते हैं तो उसमें ग्लासेस वगैरह टूटते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें वाइट वाले में आएगी। तो ये देखा आपने, ये पूरा इसका एक मकसद है, ये कलर अलग यही तो सेग्रीगेशन है, मतलब ये अलग अलग डिफाइन करना चाहते हैं किस बॉक्स में क्या रखा हुआ है। तो ये सारी डस्टबिन है, समझ रहे हैं, तो इनको कैसे डिस्पोज करना है, किस कलर में क्या रखना है, ये इन्होंने एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का इन्होंने रूल बनाया हुआ है 2016, ठीक है। तो मैं दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। और तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ अगर, तो ये, हाँ ये देखिए बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं क्या। तो देखिए जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, तो देखिए कह रहे हैं कि इतने सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ठीक। लेकिन हम थोड़ा सा इसको स्किप करते हुए फोकस करेंगे सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट पे। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट कह रहे हैं कि है क्या, ये कंप्राइज ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब हमारे जो पार्ट, जैसे कटे फिटे जो पार्ट होते हैं वो। इसके अलावा ट्रीटमेंट अपरेटस लाइक नीडल, सीरिंज एंड अदर मटेरियल यूज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें जो मेडिकल में यूज़ होती है या रिसर्च में यूज़ होती है। तो कह रहे हैं कि दिस वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन इन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक। टोटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन द कंट्रीज 48, ठीक है। ये कितने हैं, 48 इनकी संख्या बता रहे हैं, और इतनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी से, आउट ऑफ विच 447 टीबीटी इज ट्रीटेड, राइट, ये कह रहे हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, किसके थ्रू, सेग्रीगेशन। अभी जो हमने देखा जो प्रोसेस था वो सेग्रीगेशन का ही था, ठीक है ना, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन एनवायरमेंटली साउंड मैनर, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इसको क्या करने की ज़रूरत है, कि इसको सेग्रीगेट करके, कलेक्ट करके, और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाए एनवायरमेंटली साउंड मैनर में, ठीक है, ताकि इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है हेल्थ और एनवायरमेंट में जो रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने देखा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये इम्पोर्टेंट था दोस्तों, ठीक है। आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस पे भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, इफ आई एम, मुझे वैसे याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे डाउट हो रहा है कि शायद क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देखिए केरला गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, केरला में काफ़ी रिफॉर्म ला रही है गवर्नमेंट। केरला ने देखिए क्या कहा है कि फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ में जो लोग गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात कही है, ठीक है। तो 10% सीट रिजर्व करने वाली है, और ये जो सीटें रिजर्व होंगी वो किस में होगी, मतलब नॉर्मल जो रिजर्वेशन मिलता है वैसे इन लोगों को मिलेगा। और देखिए ये लिखा है, केरला गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड जॉब कोटा
फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एमंग द फॉरवर्ड कम्युनिटी, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड कम्युनिटीज में जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, तो मतलब ये रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे है, ठीक है, सोशल बेसिस पे नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये लिया है। और कैबिनेट आल्सो डिसाइडेड टू इन्हेंस द रिजर्वेशन, तो SC ST का भी रिजर्वेशन ये 10 से 12% करने वाले। इसके अलावा एजवा कम्युनिटी जो है वहाँ पे उसका भी रिजर्वेशन बढ़ा के 14 से 17 करने वाले हैं, और OBC का ये 3 to 6 करने वाले हैं, राइट। एजवा कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है? एजवा केरला की ही कम्युनिटी है, राइट। और ये देखिए, नॉन एजिडेरियन, ये वर्ड मैंने पहली बार तो सुना था, देखिए इसीलिए। अब बताएं इसकी मीनिंग क्या होती है। कपल कमिट सोसाइटी तेलंगाना, तो कप इस इन्होंने नॉन एजिडेरियन कपल ने सुसाइड किया है। देखिए एजिडेरियन नॉन एजिडेरियन उनको कहते हैं जिनकी एज 90 एबव होती है, ठीक है, 90 से 99 के बीच में जो लोग होते हैं उनको कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक की उम्र 95 है, दूसरे की 99 है। तो इन लोगों ने पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इनकी ओल्ड एज जो प्रॉब्लम हो वो उनके बच्चों पे, मतलब उनके बच्चों को उससे दिक्कत हो या उनके बच्चों को ये बर्डन सहना पड़े, वो ये नहीं चाहते थे, राइट। इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये देखिए पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होने जा रही है, और ये देखिए इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए इनेबलिंग ईस्ट, मतलब ईस्ट को इनेबल करके, ईस्ट मतलब ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ये देखिए ये बंगाल हो गया, और ये नहीं सॉरी, हाँ ये बंगाल हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ठीक है, और ये आपका बिहार हो गया, और ये क्या है, झारखंड, झारखंड हो गया, राइट। तो ये सारे ये इन्वॉल्व है इसमें। तो देखिए मकसद क्या है इनका, इनका पूर्व उदय एक वो है, इसमें कह रहे हैं कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये पूर्व उदय याद रखें, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए ईस्टर्न स्टेट में, राइट। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, और बाकी इससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं एड इसको। देखिए जो वहाँ पे महामारी फैली हुई है डेंगू की, कहाँ पे, बंगाल में, राइट। तो बंगाल में जब महामारी फैली हुई है तो उसमें कुछ आपको पता होगा, एक डॉक्टर ने अभी रिजाइन किया था, और उस पर एक्शन लेने की भी बात की गई थी। उसने क्या कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे क्या नाम है, क्वेश्चन रेज किए थे, और गवर्नमेंट की स्पेशल जो डाटा सप्रेशन से रिलेटेड एक बहुत ही क्रिटिकल इशू उन्होंने उठाया। तो उन्होंने कहा था जो डेटा है वो गलत तरीके से दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी से रिलेटेड ये भी न्यूज़ है, इसमें पाया गया है डाइस्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड सेंट्रिक डिजीज़, तो उन्होंने जब चेक किया तो 40%, 8,000 ब्लड सैंपल में से 40% जो है वो पॉजिटिव पाए गए, यानी कि वो डेंगू वाले सैंपल पाए गए, राइट। तो देखिए इन्होंने कहा है, नाइज सेड दैट मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड सैंपल विच टेस्टेड पॉजिटिव वर डेन सेकेंड। देखिए इसमें चार वेराइटी होती है तो डेंगू स्ट्रेट में, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेन सेकेंड पाए गए। तो उन्होंने ये लिखा है, देखिए देर वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेन फोर के भी काफ़ी नंबर उसमें थे, अमंग द सैंपल सेंट बाई द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो एक तरीके से देखिए ये जो सच जो है, सच्चाई जो है, इससे ये लोग गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, मुंह बोलना चाहती है, ठीक है, और उसको सप्रेस करना चाहती है। जबकि मैंने देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप वहाँ की सिचुएशन को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर सच्चाई जब आपके सामने नहीं होगी, आपके पास रिलायबल डाटा नहीं होंगे, तो आप फिर उस पर काम कैसे करेंगे। आप तो आपको ही तो ये पता है कि वहाँ पे जैसे केसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर सप्रेस डाटा करके उसको कम दिखाने की कोशिश करोगे तो आप तो उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। और ये देखिए जो सीरोटाइप होता है इसका, डेंगू वायरस का, ये देखिए चार तरह का होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4, ठीक है, ये थोड़ा सा जानने के लिए बस ऐसे ही। और ये देखिए बिहार में एक जेल रिफॉर्म से रिलेटेड बात की जा रही है। नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अब क्या किया जाएगा, बिहार के सारे जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी, और अंडर ट्रायल को अब क्या नाम है, कोर्ट हियरिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने देखिए, ही आल्सो इनाग्रेटेड 56 टेलीफोन एक्सचेंज एट 30 जेल पे, इन्होंने 56 टेलीफोन एक्सचेंज का ये इनाग्रेशन भी किया है। और उन्होंने कहा है कैंटीन फैसिलिटी भी दी जाएगी 11 जेलों में, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। तो ये कह रहे हैं कि जेल रिफॉर्म हैज़ बीन गोइंग
ऑन एवरी सिंस माई गवर्नमेंट हैड कम टू पावर, बट द बिगेस्ट रिफॉर्म विल बी वेर अ चेंज इन प्रिजनर्स थिंकिंग वुड कम। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म लाए हैं, लेकिन बड़ा रिफॉर्म उस वक्त होगा जब प्रिजनर जो कैदी है उनके थिंकिंग में चेंजिंग आए। राइट, ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के वक्त मैं भी जेल गया हूँ और मैंने जेल को बहुत करीब से देखा है और मैं वहाँ की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। तो ये उन्होंने अब रिफॉर्म की बात की है। और ये देखिए, त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने सेंटर से अर्ज किया है कि आप एनएलएफटी के साथ टॉक कीजिए। एनएलएफटी क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये एक वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, तो उससे कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, उनको इंगेज कीजिए। एक इंसर्जेंट आउटफिट है ये, ठीक है ना। और बढ़ते हैं आगे। तो अगली न्यूज़ जो हमारी है ये वही है, BS6 वाली। तो उसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहाँ भी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने इसका वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छा स्टेप है और ये बहुत ही नीडेड एक स्टेप था, ठीक है। ये एडेड दैट रीजनल अप्रोच वी नीडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव, और लेकिन ज़रूरत इसको और इफेक्टिव बनाने की है। राइट, और इसके अलावा कार मेकर्स ने कहा है कि ओल्ड व्हीकल पे NCR में फिलहाल आप बैन लगा दीजिए। तो ये देखिए, BS6 में क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब क्या चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो BS6 एमिशन नॉर्म्स विल रिक्वायर इंस्टॉलेशन ऑफ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ठीक है ना। तो ये DPF की ज़रूरत पड़ेगी, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की, टू रिमूव द PM फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट। इट विल नीड मोर स्पेस अंडर द बोनेट, ठीक है। तो ये जो है, इसके लिए थोड़ा सा बोनेट जो होता है इंजन का अगला पार्ट को जो होता है गाड़ी में, जो अगला पार्ट जो होता है उसको बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बोनेट में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इस डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को लगाने के लिए। ये क्या करता है, ये पार्टिकुलेट मैटर को होते हैं, जो पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं PM, उनको रिमूव करता है। दूसरा लिख रहे हैं, BS6 नॉर्म्स विल रिक्वायर सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी की, टू कट डाउन द नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट, ठीक है। NO को कम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। SCR यूजेज, ये SCR जो है ये क्या करता है, यूजेज अमोनिया एंड दिस विल लीड्स अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड स्टोर एंड सप्लाई अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, SCR जो होता है ये अमोनिया को यूज़ करता है। राइट, तो मूविंग BS6 विल लीड टू द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लेवल ऑफ प्राइम पोल्यूटेंट्स लाइक PM2.5, NO, सल्फर एंड कार्बन। तो इन सब चीज़ों में, PM2.5, NO, सल्फर और कार्बन कंपाउंड में, हम लोगों को काफ़ी इसके पोल्यूशन को रिड्यूस करने में इसमें मदद मिल जाएगी। राइट, तो ये थोड़ा सा आपने देखा BS6 के फायदे। तो अगली न्यूज़ एडिटोरियल, स्किपिंग दिस एडिटोरियल, आज टाइम पे डालने की कोशिश करेंगे एडिटोरियल को। राइट, ये देखिए, मीरवाइज मलिक, इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सेपरेटिस्ट लीडर है मीरवाइज यासिर मलिक। तो ये एक्चुअली क्या कर रहे थे, जो रेड हुई थी 27 लोग के, नवंबर 27 को, तो उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करने वाले थे। और ये देखिए, कश्मीर में ही क्या हुआ है, एक दरगाह थी 622 साल पुरानी, बहुत पुरानी दरगाह है, और उन पे वहाँ पे कल शायद शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से आग लग गई, तो काफ़ी उसका पोर्शन डैमेज हो गया। राइट, तो ये देखिए, ये दरगाह है सेंट बीर सैयद अली हमदानी की, तो एक तरीके से बहुत पुरानी दरगाह है। और ये देखिए, राजस्थान में गुज्जर कोटा बिल जो था उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। हमने एक बार बात की थी, आपको याद हो तो, कि जो रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन में क्या होता है, एक सीलिंग होती है 50% की। तो ओवरऑल रिजर्वेशन आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सारे मिला के आप अगर किसी भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे ये राजस्थान का ही केस है, राजस्थान गवर्नमेंट चाहे जिसको जितना रिजर्वेशन दे, लेकिन टोटल रिजर्वेशन 50% जो है से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो उसी को देखिए आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो रिजर्वेशन देने की जो बात की थी उसको बना कर दिया, ठीक है ना। इफेक्टिवली फ्रीजिंग द राजस्थान गवर्नमेंट बिड टू प्रोवाइड कोटास फॉर गुज्जर्स इन जॉब एंड एजुकेशन। राइट, तो इन्होंने बना कर दिया। और राजस्थान ने क्या किया था, प्लान बनाया था रिजर्वेशन को 21% से 26% बढ़ाने का, और इनका देखिए 50% से ज्यादा हो रहा था, 54 हो जा रहा था ओवरऑल, ठीक है। इसीलिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, बना कर दिया। राइट, और अगली न्यूज़, NHRC ने देखिए एक असम गवर्नमेंट को नोटिस जारी किए, वहां पे जो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक हैरेसमेंट का केस वहाँ पे सामने है। मतलब एक तरीके से वहाँ पे क्या हुआ, इलीगल जो माइग्रेंट है तो उनको, उनकी पहचान की जा रही है कि कौन सिटीजन, किन लोगों को यहाँ के सिटीजनशिप मिली हुई है, कौन लोग सिटीजन है, कौन एलियन है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि एक तरीके से वहाँ पे असम गवर्नमेंट ने एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी बनाया हुआ है, तो इन सब केसेस को देखने के लिए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक इन टू केसेस वेयर द रेजिडेंट्स नेशनलिटी वॉज इन क्वेश्चन,
कीपिंग बाइंड द इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम द बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट आए हुए हैं उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो और ये श्री श्री है, ये एक तरीके से फिर इन्होंने अयोध्या वाले मुद्दे को गर्म गर्म करने की कोशिश की है, ये अयोध्या जाने की प्लान बना रहे हैं। और ये तो फिर इलेक्शन, और ये देखिए फ्रांस ने कहा है कि हम, फ्रांस ने कहा है कि हम इंडिया के साथ काम करने के लिए काफ़ी उत्सुक है इंडो पैसिफिक रीजन में, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्वाड के बाहर हम बाइलेटरल लेवल पे काम करेंगे, ठीक है, बट नॉट एज ए पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम क्वाड्रिलेटरल में नहीं, हम बाइलेटरल मतलब सिर्फ इंडिया और फ्रांस एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में शामिल होने का इनका मूड नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है, देखिए एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल प्लान, गेम चेंजर, ये इंडिजियसली बिल्ट है, हालांकि इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं वो सारे बाहर के ही हैं, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे इंडिया में ही बनाया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि FICV जो है, FICV का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और एक और है देखिए फ्यूचर रेडी व्हीकल कॉम्बैट FRCV, फ्यूचर रेडी कम्बैट व्हीकल प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर द इंडियन डिफेंस। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक तरीके से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए। आगे यही लिखा है कि ये इंडिजिनियसली बेल्ट है, इंडिजिनियसली फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री व्हीकल बाई द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, और लेकिन जो इक्विपमेंट जो है वो फॉरेन है, ठीक है, लिखा हुआ है रोपिंग इन फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राइट। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाईवे टू बी ट्रीटेड और सेफ्टी फीचर, हाईवे को क्या किया जाएगा, अब उसकी सेफ्टी को तय किया जाएगा, उसकी सेफ्टी को मेजर किया जाएगा। NGO है, उन्होंने क्या किया है, एक असेसमेंट का नया तरीका निकाला है और इसका नाम क्या है, इंडिया रैप, ठीक है। इंडिया रैप क्यों है, इसका नाम है इंडिया रोड असेसमेंट प्रोग्राम, तो इंडिया रैप याद रखें, दैट विल रेट हाईवे सेफ्टी लेवल एंड सीक टू एलिमिनेट मोस्ट अनसेफ रोड, राइट। तो ये एक तरीके से सेफ्टी को चेक करेगा कि कौन से ज़्यादा रोड सेफ है कौन से अनसेफ, उसके हिसाब से जो अनसेफ होंगे उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो आगे इनका ये लिखना है कि 2010 में टीम फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलरेडी अंडरटेकन स्टार रेटिंग असेसमेंट ऑन मोर देन 10,000 किलोमीटर्स ऑफ द रोड, राइट। 2010 में 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर रोड का एक वो कर चुके हैं, ये सर्वे कर चुके हैं, राइट, और स्टडी कर चुके हैं उसकी, तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये देखिए ये प्रोग्राम जो है वो इसका पार्टनर कौन है, फेडेक्स जो एक्सप्रेस है, ये शायद कूरियर ऑर्गेनाइजेशन है ना, कूरियर का शायद, फेडेक्स कूरियर है, एंड विल बी होस्टेड बाई एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड इट विल वर्क विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, NGO सारे मिलके मतलब रिसर्चर वगैरह मिलके इस पर काम करेंगे, राइट। तो अगली न्यूज़ वर्ल्ड न्यूज़ है, और वर्ल्ड न्यूज़ पे भी मेरे ख्याल से ये मुगाबे वही वाली जिम्बाब्वे वाली न्यूज़, और ये देखिए सऊदी वाली जो सऊदी पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने क्या हुआ, लेबनान के प्रेसिडेंट को एक होस्टेज बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे नज़रबंद किए हुए हैं, उनको जाने नहीं दे रहे, और वो वहाँ सऊदी में जाके उन्होंने रिज़ाइन का अनाउंसमेंट किया था, तो वहाँ पे फिलहाल लेबनान में इंस्टेबिलिटी जैसे हालात है। इसके अलावा एक ये न्यूज़ देखिए चाइना में क्या हुआ है कि कुछ रूरल एरिया में क्रिश्चियनों ने क्या किया है कि क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट, उनकी फ़ोटो हटा के इनको अपना, इनकी फ़ोटो को लगा लिया है। अब ये कौन है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है। ऐसा इन्होंने क्यों किया है, ऐसा इसलिए इन्होंने किया है, कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने क्या, पावर्टी से उनको बाहर निकालने में इन्होंने काफ़ी मदद की है, ठीक है, तो गरीबी दूर करने के लिए उनको ये इतना बड़ा सम्मान इनको दिया जा रहा है। यमन में ये देखिए यमन की हालत बहुत ख़राब है, सऊदी ब्लॉकेट की वजह से वहाँ पे फेमाई जैसे हालात है, राइट। तो अभी जिस हौती जो वहाँ के शिया जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अटैक वगैरह किया था, उसकी वजह से ये सऊदी ने भी स्टेप लिया है। तो थोड़ा सा यमन की लोकेशन देख लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यमन की लोकेशन। तो यमन देखिए ये है यमन, ये है सऊदी अरबिया, तो ये देखिए सऊदी अरबिया ने चारों तरफ से इधर से ब्लॉकेट, इधर से, ठीक है, और इन लोगों को भी बना किया हुआ है, तो यमन को बचाई क्या, यमन अब पूरी तरीके से मतलब अब फेस कर रहा है एक फेमाइट, ठीक है। तो कहीं से यहीं से अब कोई जो एसेंशियल कम्योडिटीज़ है वो अब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ये देखिए पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, राइट, ये गल्फ ऑफ एडन है और ये गल्फ ऑफ ओमान है, राइट। तो ये चीज़ें हम देखते रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा बाद में, राइट। तो आगे बढ़े,
और आगे देखिए बैंक, हाँ अरुण जेटली ने कहा है कि और बैंक अगर इसमें शामिल होना चाहे तो हम MOU साइन करने के लिए तैयार हैं, और कैपिटल इन्फ्यूज़र की से रिलेटेड बात हो रही है। उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट इज़ प्लान टू आस्क मोर पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंटर इन टू द एग्रीमेंट विथ इफ़ दे वॉन्ट टू मोर कैपिटल प्रोवाइडेड बैंक इम्प्रूव देयर इन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर कैपिटल को उसकी ज़रूरत है तो हम साइन करने के लिए तैयार हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। और ये जी GST रेट की जो लोअर किए गए हैं, जो 28% से 18% का भी काफ़ी 200 प्रोडक्ट्स का भी 178 आइटम्स, ठीक है ना, 178 आइटम्स को का टैक्स लोअर किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये 15 तारीख से लागू हो जाएगा, इफेक्टिव कब से होगा ये, हालांकि अनाउंसमेंट अभी 2-3 दिन पहले हुआ है ना, 10 तारीख हुआ था, हाँ 10 तारीख को ये, लेकिन इफेक्टिव कब से होगा, 15 से होगा, राइट। तो उसके अलावा बहुत सा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये स्किपिंग दिस स्पोर्ट्स पोज, स्पोर्ट्स में देखिए लास्ट में एक न्यूज़ हम देखेंगे, वो एडवर्टीजमेंट, ये देखिए ये न्यूज़ हालांकि डिस्कस की जा चुकी है PIB में, थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या करने जा रहा है, आदि महोत्सव मनाने जा रहा है। आदि महोत्सव का क्या मकसद है, ये एक सेलिब्रेशन है जो कि ट्राइबल के कल्चर, कजिन और उसके कबर्स को शो करेगा, ठीक है, उसका एक डिस्प्ले है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, आदि महोत्सव है क्या। इसके अलावा ये आप ट्राइब्स इंडिया देखिए, ट्राइफेड, ट्राई फेड, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल से रिलेटेड ये है, ट्राइबल फेड, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।